नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया स्पेशल रिपोर्ट का। सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के तट से टकराने के बाद साइक्लोन रिमाल कमजोर पड़ चुका है, लेकिन बंगाल में तूफान के साइड इफेक्ट जरूर देखे जा रहे हैं। अलग अलग इलाकों से डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं, देखिए। रिमाल आया, तबाही लाया। चक्रवात के बर्बादी वाले निशान। कोलकाता में लगातार बारिश। कहीं गिरे पेड़, कहीं गिरी दीवार। पश्चिम बंगाल से चक्रवाती तूफान रिमाल गुजर चुका है। करीब 6 घंटे तक चली तूफानी हवाओं ने बंगाल के कई जिलों में लोगों को दहशत में ला दिया। दावा किया जा रहा है कि इस तूफान की वजह से कई जिलों में अच्छी खासी तबाही हुई है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रिमाल को लेकर मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट बिहार को लेकर जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के आधा दर्जन जिलों में रिमाल का असर देखा जा सकता है। इस दौरान तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का दावा है कि बिहार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यही वजह है कि कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। ये वीडियो दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन का है, जहाँ रिमाल की चक्रवाती हवाओं ने भारी नुकसान किया है। यहाँ कई बड़े बड़े पेड़ उखड़ चुके हैं, जबकि हवाओं की ताकत ने बिजली के कई खंभों को भी अपनी जद में ले लिया है। तूफान के गुजर जाने के बाद सिविल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े लोग लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। सुंदरबन से आया ये वीडियो देखिए, जहाँ एक बीमार को बोट के सहारे सुरक्षित निकाला जा रहा है। इसी तरह उन तटीय इलाकों से लगातार लोगों को निकाला जा रहा है जो तूफान की वजह से फंसे हुए थे। यस मैम, साइक्लोन का इम्पैक्ट यहाँ पे ज्यादा तो है, क्योंकि थ्रू आउट कल से ही यहाँ पे रेन है कंटिन्यू, और जो विंड की स्पीड है वो भी काफी हाई है। बट हमारी टीम ऑलरेडी यहाँ पे, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, 24 तारीख से है, और हमारी जो प्रेजेंस है 3 सब टीमों में भी डिप्लॉयड है। कहीं से भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें आती है या फिर हमसे हेल्प मांगते हैं तो हमारी जो टीम है वो क्विक रिस्पॉन्स करती है। उधर कोलकाता से सटे विधाननगर में भी राहत और बचाव कार्य तेजी पर है। खबर है कि तूफान की वजह से एक पुरानी इमारत की बाउंड्री वॉल गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। फिलहाल तूफान के कहर का असर जिन जिलों में सबसे ज्यादा हुआ है, वहां राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। सर, पश्चिम बंगाल के अलावा और कौन से ऐसे राज्य, आप असम त्रिपुरा का जिक्र कर रहे थे, वहां पर कितने टीमों की तैनाती है सर, और वहां पर कैसे एनडीआरएफ कोऑर्डिनेशन में स्टेट एजेंसीज के काम कर रही है? हमारी अमूमन वहाँ पर 3 टीमें रेगुलर तैनात रहती हैं, और उनकी तैनाती वहाँ पर की गई है। उसमें से एक टीम को फिलहाल साउथ रीजन में, जो सेंसिटिव एरिया माना जा रहा है, वहाँ पर तैनाती की गई है। और ये एक जस्ट एक प्रीएम्प्टिव एक्शन है, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई किसी प्रकार की क्षति ना हो। अगर हैवी रेन्स होता है, कुछ फ्लडिंग होती है, तो वहाँ पर कार्रवाई त्वरित की जाए। इसके अलावा सड़कों पर आवाजाही को दुरुस्त करने के लिए तूफान की वजह से गिरे पेड़ों को भी हटाया जा रहा है।